अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर बच्चों को कैसे कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप करने में मदद करता है जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम बच्चों को लिटरेचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चे ना सिर्फ अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि वो दूसरों के कल्चर को भी अंडरस्टैंड करते हैं और बगैर अंडरस्टैंडिंग के वो दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते दैट्स द रीज़न अंडरस्टैंडिंग उन्हें हर किस्म के कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाती है और उसको डिफ्रेंशियट करना भी सिखाती है नाउ जंप इन टू द कॉन्टेंट के आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कॉम्पिटेंस so, इसकी बहुत जरूरी है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो, दुनिया में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ तमाम लोग एक जैसे कपड़े पहनते हों या तमाम लोग एक जैसी आइडियोलॉजी रखते हों या तमाम लोग बिल्कुल एक जैसा खाना खाते हो इसका मतलब यह है कि कोई भी कल्चर जो है ऐसा नहीं है जिसमें सब कल्चर्स ना हो और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें हमारे पास मल्टीपल कल्चर्स ना हो तो सोसाइटी का हुसन ही मल्टीपल कल्चर्स में है लिटरेचर हमें मदद करता है ना सिर्फ ये कि हम अपनी कल्चर को अंडरस्टैंड करें उसको समझें बल्कि हम दूसरे के कल्चर को भी समझ सकें सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कल्चर कॉम्पिटेंस नाउ गिव इट अ लुक टू द कॉन्टेंट कि आज हम क्या देख रहे हैं सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने कल्चर हेरिटेज के बारे में सीखते हैं कि आखिर हमने क्या इनहेरिट किया हमारी किताबें कैसी थी हमारे लिबास कैसे थे हमारे खाने कैसे हैं हमारी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स कैसे बनी हमारे गाने कैसे हैं हमारी पोइट्री कैसी है और हमारा फोक आर्ट कैसा है ये हमारा हेरिटेज है लिटरेचर हमें हेल्प करता है और बच्चों को हेल्प करता है अपने हेरिटेज से आ, को समझने के लिए उस हेरिटेज को जानने के लिए दैन वी है ऑफ अदर्स इससे हमें पता चलता है कि हम एक कल्चर में जब रहते हैं वह और कल्चर्स भी हैं हम उनको कैसे समझें उनको कैसे रिस्पेक्ट करें और उन्हें कैसे एक्नॉलेज करें अदर थिंग जो कि आपको लिटरेचर समझाता है कल्चर कॉम्पिटेंस डिवेलप करने में वो ये है कि आप दूसरे लोगों की कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं देन वट एल्स वी हैव इन इट क्योंकि हमारी सोशल एडजस्टमेंट के लिए कल्चरल कॉम्पिटेंस का होना ज़रूरी है तो हमारे पास जब बच्चों की किताबें आती हैं तो हमें वो किताबें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं जिसमें कल्चर को एक पॉजिटिव तरीके से और सही तरीके से डिपेट किया जाए उसमें मुख्तलि कल्चर्स के बारे में कोई नेगेटिव राय या ऐसी राय ना हो जिसका हकीक़त से कोई ताल्लुक नहीं और आप कोई चीज़ें कहाँ नज़र आएंगी आप कोई चीज़ें उसके कॉन्टेक्ट्स में भी नज़र आ सकती हैं उसके रजिस्ट्रेशन में भी नज़र आ सकती हैं उसके डायलॉग्स में भी नज़र आ सकती हैं तो बच्चों के लिए बुक्स सेलेक्ट करने से पहले हमें बुक्स को खुद चेक करना ज़रूरी है कि वो कल्चरली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं वो कल्चर जो आप उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर यूज़ होती है कल्चर स्टीरोटाइप की कल्चरल स्टीरो क्या हैं कल्चर स्टीरोटाइप हैं जिसके अंदर हम कल्चर को इस तरीके से डिपेक्ट करते हैं जो कि उसकी रियल एंटिटी नहीं होती या हमारी उसके अंदर कोई ना कोई बाइसिस शामिल होती हैं और वो एक्चुअल कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता क्या वर्ड्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं उसके अंदर हम ऐसी मिस इंटरप्रटेशन कर देते हैं जो उसकी हिस्ट्री या उस इलाके के कल्चर उनके लिबास उनकी वैल्यूज से ताल्लुक़ नहीं रखता आइए हम देखते हैं उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों की कहानी है आ, उस कहानी का नाम है अ गर्ल कॉल्ड चंगेज़ खान और ये कहानी किसने लिखी है ये कहानी मिशेल लॉर्ड ने और शेजिन मलिक ने लिखी है और इस कहानी के अंदर थोड़े से बाइसिस मौजूद हैं सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है सो वी कैन सी इट इन द एलस्ट्रेशन इन अ वेरी क्लियर वे कि इस एलिस्ट्रेशन के अंदर जो कल्चर दिखाया गया है उस इलाके का जिस इलाके की ये कहानी है और जिसमें ये लड़की है उस इलाके की लड़कियाँ ऐसा लिबास नहीं पहनती आप वहाँ ऐसे फ्रॉक नहीं पहने जाते और ज़रूरी नहीं है कि जैसा घर का सेटअप दिखाया गया है वहाँ मेजॉरिटी लोगों को जो रहते हैं उनका यही सेटअप हो सो so, इन इनस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कल्चरल स्टीरियोटाइप और बाइसिस मिल रहे हैं नेक्स्ट लिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो फादर है वो बेटी को कह रहा है कि तुमने फुटबॉल नहीं खेलना या वॉलीबॉल नहीं खेलना और ये काम लड़कों का है ज़रूरी नहीं है कि हमारे उस इलाके के कल्चर में ये चीज़ कॉमन हो और ये एक स्टीरियोटाइप बायस रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है अगली इलस्ट्रेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लड़की रेस में हिस्सा ले रही है या जो भाग रही है चंगेज़ ख़ान की तरफ फाइट कर रही है उसने जो कपड़े पहने हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ छोटे इलाकों में कोई बच्ची ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये इलस्ट्रेशन एक्चुअली टोटली कल्चरल बाइस्ड है जब हम बच्चों के लिए किताबें तलाश करते हैं कि हमने कौन सी किताबें उन्हें इंट्रोड्यूस करवानी है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसमें कल्चर और हिस्ट्री एक्चुअली प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव हो और उसके अंदर जो तस्वीर हैं वो तस्वीर उस कल्चर से मैच खाएं, उसको हम हिस्टोरिकली डिस्टॉर्ट ना करें या उनमें ऐसा कॉन्टेंट ना डालें जो कि वहाँ से रेलिवेंट नहीं है थैंक यू सो मच